हिसार रैली का आयोजन किया है, तो इसमें पुलिस में क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने नहीं किया, सब लोगों ने, जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, DUTA, JNU टीचर्स एसोसिएशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, RJD, झारखंड मुक्ति मोर्चा, रालोसपा, सपा, तमाम ऐसे CPIM माले और तमाम ऐसे लोग हैं, हजारों के संगठन हैं, हजारों की संख्या में इन सब लोगों ने मिलकर ये भारत बंद का आयोजन किया था और आज सफल हुआ। आप सबको बधाई, आप सबका शुक्रिया जी। जिस तरीके से सर 5 तारीख का भारत बंद का सुना है काफी, और आप एक हफ्ते से कोशिश भी कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में आपको क्या कहना है कि दिल्ली में शायद नहीं लगता कि भारत बंद लग रहा है? नहीं, भारत बंद तो भारत में है ना जी। जी, ये आप देख लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमाम ऐसे जगहों से फोटो वायरल हो रहे हैं, तमाम जगह भारत का व्यापक असर है। ट्रेन बंद, कई जगह इलाहाबाद में सुना है कि ट्रेन भी रुकी है, तो भारत बंद का व्यापक असर है। और ये सरकार को हम लोग दिखाना चाहते थे कि अगर आप हमारे हक हकूक, हमारे अस्मिता के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो ये सरकार ठीक से आपको चलने नहीं देगी। सर एक छोटा सा सवाल है, जिस तरीके से BJP सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और अगर आपकी आगे अभी भी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या उद्देश्य? आज सुना है कि प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा है कि अध्यादेश लाएंगे 2 दिन में, तो मान्यवर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए। लीला से बाहर निकली है, गैर संवैधानिक जन्म आरक्षण जो है 1 दिन में पास कर लेते हैं और संवैधानिक आरक्षण में खाली आश्वासन, मतलब अपने लिए खीर पूरी, हमारे लिए आश्वासन, ये चले वाले का नहीं। आप लाइए अध्यादेश, नहीं तो फिर इलेक्शन आ रहा है, हम लोग दो दो हाथ कर लेंगे चुनाव के मैदान में।